हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपके पास अगर बजाज पल्सर NS125 या फिर कोई भी बाइक अवेलेबल हो और आप चाहते हो अपनी बाइक की रियर साइड पर डिसइंस्टॉल करना, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। मेरे पास 160 NS था, 2017 वाला मॉडल। वहाँ पर क्या होता था, 2017 पर जो NS160 आता था वहाँ पर डिसइंस्टॉल नहीं होता था। सो मैं अपनी बाइक पर डिसइंस्टॉल किया है, एंड आप अगर चाहते हो 125 NS पर भी इंस्टॉल हो जाए, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा बजाज पल्सर NS160 जो 2017 मॉडल एंड BS4, यहाँ पर डिसइंस्टॉल नहीं आता था। तो मैंने अपनी बाइक पर डिसइंस्टॉल किया। डिसइंस्टॉल करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गया था बजाज की ऑफिशियली शोरूम पर, एंड वहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट किया कि भाई मुझे चाहिए डिसइंस्टॉल डिस्क की जो सामान होते। तो मैंने उन लोगों को पूछा कि इस चीज़ का प्राइस क्या होता है, यानी कि डिस्क की जो प्लेट है, रिम है, स्विंगम है, सारे प्राइस मिलाकर लगभग 16,000 की प्राइस आ रहा। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से मैंने परचेस नहीं किया। बट अपनी NS125 पर अगर आप लगाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको जो सेकेंड हैंड बाइक शोरूम होता है, सेकेंड हैंड बाइक जो लोग सेल करते हैं, उनके पास आप जाओ, कॉन्टैक्ट करो कि भाई मुझे 160 की जो पीछे साइड की जो टोटल स्विंगम, रिम, डिस्प्लेट, मडगट, टायर, सब कुछ मुझे चाहिए, सो आप कितना लोगे। सो मैंने भी ऐसे किया था, मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने टोटल 6,000 में ये डिस्क कंप्लीट पूरा अपने बाइक पर इंस्टॉल कर लिया था। सो आप भी वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहते हो अपनी बाइक की जो NS125 की टायर साइज को इंक्रीज करना, वो भी पॉसिबल है दोस्तों। NS125 की जो फ्रेम आता है NS160, 200 NS, सबकी बिल्कुल सेम है। आप अगर चाहते हो कि 200 NS का पूरा स्विंगम, टायर, रिम सब कुछ इंस्टॉल करना है NS125 के ऊपर, वो भी पॉसिबल है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किया। ये जो मडगार्ड देख रहे हो, जो NS160 के डुअल डिस्क वाला मडगार्ड है, ये अपनी NS125 पर लग जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर ये मडगार्ड न्यू लेना चाहते हो तो 750 रुपीज आपको आ जाएगा, बजाज के ऑफिशियल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। एंड टायर भी साइज भी मैंने चेंज किया था, 120x80 सेक्शन का टायर मैंने इंस्टॉल किया था। पहले मेरे बाइक पर 110x80 सेक्शन का टायर था, तो बिल्कुल पतला लगता था, इसलिए टायर साइज भी मैंने चेंज किया था। रिम को मैंने चेंज किया था, एंड स्विंगम, टोटल स्विंगम के ऊपर सब कुछ इंस्टॉल होता है, इसलिए मैंने स्विंगम भी चेंज कर दिया दोस्तों। यानी कि मेरे बाइक पर रियर साइड पर आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। इसकी प्राइस आया दोस्तों, टोटल प्राइस की अगर बात किया जाए तो लगभग 6,000 रुपीज। सब कुछ मैंने सेकेंड हैंड परचेस किया था, बट बहुत ही ज़्यादा वेल कंडीशन में था, इसीलिए मैंने परचेस किया। सो आप अगर अपनी NS125 पर टायर साइज लगाना चाहते हो, ब्रॉड टायर इंस्टॉल करना चाहते हो, वो पॉसिबल है, एंड डिस इंस्टॉल करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है दोस्तों। बट आपको टायर साइज लगभग 130x70 का लगा सकते हो लगभग, एंड आप तो डिस 240mm का डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हो अपना NS125 पर, और माइलेज की कोई इशू नहीं होगा दोस्तों। मैंने अपनी बाइक पर लगभग 2 साल हो गया ऐसे 160 पर जो डिसइंस्टॉल किया, टायर साइज को इंक्रीज किया, बट माइलेज की कोई भी दिक्कत नहीं आया।